महापुरुषों तो बाबा माहर नाम सिंह जी तो कोई मुसलमान कोई फकीर किसी भी तरह का आया है सब दियाँ झोलियाँ भरियाँ जेड़े युगा तो खाली सी वो भी बाबे माहर नाम सिंह ने तारे जिन्हां दी शक्ति नूं कोई देवी देवता नहीं बयान कर सकिया कि बाबे माहर नाम सिंह दी किन्नी कोई शक्ति है किन्ने कु बड़े महापुरश ने ते केड़ी जोत है कोई बयान नहीं कर सकिया सामने वड्याई कीती है शोभा कीती है कि बाबा माहर नाम सिंह जी महाशक्ति है इस संसार विच आए अज भी वो मौजूद ने हाजिर ने अज भी हाजरा हजूर ने शक्ति कहिंदे दिसदी हुंदी जिथे उनकी शक्ति होएगी उथे नजर आएगी जे उन्हां दी शक्ति है बाबे माहर नाम सिंह जी दी अज वो कार्ज हो रहे ने जेड़े कोई कर नहीं सकता उन्हां दा नाम लेके आ रहन सभाइयां शुरू होईयां ने ते बंद ही नहीं होईयां उन्हां दा नाम लेके स्कूल शुरू होए ने किसी की कोई फीस नहीं ते वो स्कूल चली जांदी जेड़ा भी कोई उत्थे अरदास करदा है पाठ करवाउंदा है दर्शन करवाउंदा है बाबा जी जहरा कौतक विखाउंदे आ जहरा जहर पीर जगत गुर बाबा कि ये एक जहर पीर ने महापुरख है निरंकार का स्वरूप है हर युग में अवतारता रहा है जिस जगह पर बैठे सी रूमी साहब 12 साल तप किया कहन लगे इत्थे सतयुग वेले का सरोवर है थले उनकी अलग अलग तां दी बाही बनी हुई है सोने दी चांदी दी सारियां तातां वखरियां ने जिस जगह ते बराजे सी फिर कहन लगे एक रेरू दा दरख्त सी बाबा जी कहिंदे त्रेते युग भी विच भी असी इत्थे आए सी हुण कलयुग विच आ के इत्थे बैठे हाँ किसी ने पुछिया सी बाबा माहर नाम सिंह जी नूं महाराज बाबा आनंद सिंह जी टोया पट के क्यों बैठते हैं बाबा जी कहन लगे इन्हां नूं सुभाव बनिया है त्रेते युग तो कहिंदे जदों असी बनवास गए सी ते मगरों इन्हां दा भरथ दा रूप सी ते इन्हां ने टोया पट के राज कीता है टोया पट के बैठे उदों दी आदत पै गई भाव दस्या कि त्रेते युग विच भी महापुरख बाबा माहर नाम सिंह जी फिर कलयुग का दस्या ये तो लिखते उत्थे बाबा जी दी ए भी लिखते त्रेते युग विच राम दे स्वरूप विच बाबा माहर नाम सिंह जी महाराज आए बाबा आनंद सिंह जी भरथ दे रूप विच सन बाबा आनंद सिंह जी महाराज के बारे भी बयान किया है कि ये युगां तो ही साढ़े नाल ने कलयुग दुआपर त्रेता सारिया विच बाबा आनंद सिंह जी बाबा जी कहिंदे सी पुछो वाले साढ़े नाल आए ने
इस जगह पर भी बाबा आनंद सिंह जी महाराज ने पुछवालियां दे नाल ही तप किया है।